ये वतन हमारी माँ हम इसको कहते हैं, इसका नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमसे दुश्मनी निभाइए, हमसे दिक्कत है कीजिए। इंडिया को घमंडिया कहते हैं, अपनी माँ का नाम कौन बिगाड़ता है? वो दुष्कर्म भी आप और आपके आका कर रहे हैं, मत कीजिए, गलत है। कि वो हिंदू संस्कृति जिसने इस देश को माँ कहना सिखाया, जिसने कहा उत्तरम का अपमान करने वालों को क्या कहा जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं ये काम मत। और अगर उसको कोई कहे कि ये रोग है, इसे सबूल नाश करना है, तो उसे घमंडिया नहीं कहेंगे, बताते हैं। ये कह रहे थे वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें पादरी इनको समझा रहा है शिव शक्ति कुछ नहीं है। आपका सोच ये है और हमारी सोच ये है कि प्रधानमंत्री ने चंद्रमा के उस बिंदु का नाम शिव शक्ति रखा है जहां पर कि चंद्रमा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारी एक और न्यूज डिबेट रिएक्शन वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले वो होने वाला इंडिया टीवी के शो कुरुक्षेत्र का। दोस्तों आज की इस डिबेट के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज की डिबेट होगी, जिसमें दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेट मैम के बीच में आपको काफ़ी तीखी बहस इस डिबेट में देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इस वीडियो को अंदर दोस्तों देख के जाइएगा। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार, और मैं 9 मिनट इसलिए लेट आई हूं क्योंकि पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया गया है। जिस रास्ते पे मुझे 45 मिनट लगता था, 1 घंटा 40 मिनट लगा घर आने में, क्योंकि दिल्ली को छावनी बनाकर आम लोगों को जो दिक्कतें पहुंचाई जा रही हैं उसके बारे में पहले मैं उल्लेख करना चाहती हूं। सुधांशु जी की तरह मैं लुटियंस गली में नहीं रहती हूं, मैं दिल्ली के एक दूसरे इलाके में रहती हूं, तो मुझे 1 घंटा 45 मिनट से ऊपर लगा। सबसे पहले तो ये बनाने, एक आदमी जो अपनी छवि बनाने पर तुले हुए हैं, खैर छोड़िए उस बात को। आपने संसद की बात कही और अभी अभी मैंने सुधांशु जी को कुछ बड़ी अभद्र बातें कहते हुए सुना। सबसे पहले तो सुधांशु जी, कभी थोड़ा कुंठा कम, थोड़ी ईर्ष्या कम, थोड़े प्यार मोहब्बत से भी बात कर लिया कीजिए। सबसे पहले तो बददिमाग प्रवक्ता आके कुछ कह जाते तो मैं सुन भी लेती। आप तो राज्यसभा सांसद है, आपको पता नहीं कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया जी? आपको इतना भी नहीं पता, इतने अनभिज्ञ है आप, तो थोड़ी आपकी अनभिज्ञता दूर कर देती हूं। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, कांग्रेस संसदीय दल की हमारी नेता है सोनिया जी, और उस पोजीशन में रहकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। वो एक सांसद है, वो चिट्ठी लिख सकती है, लेकिन उन्होंने सीपीपी चेयरपर्सन के नाते लिखी है। आपकी अनभिज्ञता को थोड़ा दूर कर दिया, पहली चीज। सुधांशु जी, सब कुछ करना चाहिए, अपनी मां का ना विद्रूप नहीं करना चाहिए। ये देश, ये सरजमी, ये भूमि हमारी भारत माँ है, ये इंडिया, ये हिंदुस्तान, ये वतन हमारी माँ हम इसको कहते हैं, इसका नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमसे दुश्मनी निभाइए, हमसे दिक्कत है कीजिए। इंडिया को घमंडिया कहते हैं, अपनी माँ का नाम कौन बिगाड़ता है? वो दुष्कर्म भी आप और आपके आका कर रहे हैं, मत कीजिए, गलत है। मां के प्रति असम्मान है, मां के प्रति विरोधाभास है, मत कीजिए इस बात को। अपनी मां के साथ दुष्चरित्र की बात कोई नहीं करता, अपनी मां का नाम मत बिगाड़िए। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान हमारी मां का नाम है, वो मत कीजिए। सौरभ जी, आपके सवाल का मैं जवाब देती हूं। आपने कहा यह खबर सूत्रों के माध्यम से आ रही है कि मोदी जी ने कुछ कहा है। यह सरकार, आज देश का मीडिया सूत्रों के माध्यम से ही चल रहा है। सरकार के अधिकृत प्रवक्ता, सरकार के लोग नहीं बोलते हैं। आपके चैनल पर अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी, मोदी जी ने सूत्रों के माध्यम से कहा सांसद मंत्री कैसे बस में बैठेंगे, कहां अपनी गाड़ी से। ये स्कूल, ये किंडरगार्टन के, नर्सरी के बच्चे हैं या इस देश की सरकार चल रही है? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि यूसीसी हॉट एयर बलून था, ये हॉट एयर बलून है। अडानी के मुद्दे पर कब बोलिएगा? अडानी से क्यों भागते फिरते हैं? देखिए, सुप्रिया जी ने जहां से अपनी बात शुरू की मैं वहीं से बात करता हूं। इनको लगा कि दिल्ली को छावनी बना दिया गया है तो कष्ट है। वैसे लास्ट महत्वपूर्ण घटना शायद उतनी हम लोगों के भी बहुत बचपन की बात है, नॉन अलाइन समिट हुई थी, तब तो दिल्ली छावनी थोड़ी थी, तो ऐसे ही चल रही थी। परंतु हमारे जमाने में दिल्ली धमाकों की छावनी नहीं बनती थी। याद करिए, सरोजनी नगर के धमाके, कनॉट प्लेस के धमाके, आपकी सरकार के समय में मेरिडियन होटल के पास का धमाका जिसमें आपके नेता मनिंदर सिंह बिट्टा जी के ऊपर हुआ था। याद करिए, 90 का दशक तो आपको भी याद होगा, दिल्ली के हर चौराहे पे बोरियां लगी रहती थीं और उसमें पीछे स्टेन गन लेके परमानेंट तैयार रहते थे सिपाही लोग कि कभी भी कहीं भी आतंकवादी गोली चल सकती है। तो जब छावनी आवनी कहा जाया करे तो मुझे लगता है सारी बातें याद रखनी चाहिए। और अभी भी लोगों को याद है किसके जमाने में दिल्ली सामान्य दिनों में थी, कोई विशेष के दौर में नहीं थी, इसलिए वो विषय अलग रखते हैं। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। थोड़ा कम। आपने कहा कि सोनिया जी संसदीय दल की नेता है, नहीं, मैंने कहा संसदीय दल की नेता है, सिर्फ टेक्निकल बात कह रहा हूं। मैंने क्या कहा था, बगैर किसी संवैधानिक पद के, भारत के संविधान में लिखा हुआ दिखा दीजिए, विपक्ष के दो ही पद है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का संसदीय दल की कोई मान्यता हो तो मुझे बता दीजिए, इसलिए मैंने ये कोई भी जाके चेक कर सकता है। तो फिर तो कांग्रेस अध्यक्ष को भी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, बगैर फिर भाजपा अध्यक्ष को भी कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा। क्या बात है, ये आपकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, आप अपनी पार्टी में कह सकते हैं। ओहो, आपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, काहे आप अपनी पार्टी में कह सकते हैं हम सुपर अध्यक्ष बना लेते हैं। नहीं, बेसिर पैर की बात नहीं कर रहे हैं, बताइए कहीं पे संविधान में लिखा हो कि नेता प्रतिपक्ष संसदीय दल विपक्ष। राजू जी, आप जवाब दे दीजिए, मुझे लगता है कंक्लूड करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम का वक्त भी जा रहा है। अब उस पीछे पे मत जाइए, अब आगे आइए। और आपने कहा कि मां के अपमान की बात मत करिए, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं मां तो भारत माता है, परंतु अपमान की बात मैं कहना चाहूंगा कि वो हिंदू संस्कृति जिसने इस देश को मां कहना सिखाया,
जिसने कहा उत्तरम यत अपनी माँ का अपमान करने वालों को क्या कहा जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं ये काम मत। और अगर उसको कोई कहे कि ये रोग है, इसे समूल नाश करना है, तो उसे घमंडिया नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अगर कोई ये कहे कि सनातन धर्म का समूल नाश करना है, इस देश को मां सिखाने वाली संस्कृति का नाश करने की बात कहे, तो क्या वो घमंडिया नहीं हुआ क्या? समय खत्म हो गया है, अगर आप बिल्कुल कुछ कहना चाहते हैं तो बोल दीजिएगा। जब मैं बोल रहा हूँ तो इनका फीडर डाउन रखिए। अभी देखिए इस वक्त प्रोग्राम का ही समय समाप्त हो गया, मैं चाहूंगा आप बिल्कुल अंतिम शब्दों में अपनी बात कंक्लूड कर लीजिए। सुराज भटकाने का तरीका है, ये बोल नहीं सकते हैं, ये असलियत है, ये बोल नहीं पाए। भटकाने का तरीका क्या? भटकाने का तरीका आपका है क्या? भारत की आपत्ति करते हैं आप, हिंदू धर्म के नाश की बात करते हैं आप, हिंदू धर्म को गंदा कहते हैं, हिंदू धर्म के सबूत नाश की बात करते हैं, वही हिंदू धर्म जिसने देश को भारत माता कहा और आज आप लोगों के साथ खड़े हुए जिन्होंने भारत माता को डायन कहा था। मैं आजम खान याद दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी के, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन पे आपकी समस्या समझी जा सकती है। इसीलिए आज कर्नाटक के इनके मंत्री ने बोला है कि हिंदू धर्म का तो मूल ही नहीं पता है। अच्छा चलिए ठीक, क्या तो बात दो बात हैं? दो बात राहुल गांधी जी भारत भारत में भारतीय आपने बनाई तमिलनाडु में जिस पादरी के साथ बैठे थे वो इनको समझा रहा था कि शिव और शक्ति कुछ नहीं है। अरे सुनिए तो मुद्दे की बात, पूरी बात मैं भी कर लूं मान्यवर, ये कह रहे थे वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें पादरी इनको समझा रहा है शिव शक्ति कुछ नहीं है। आपका सोच ये है और हमारी सोच ये है कि प्रधानमंत्री जी ने चंद्रमा के उस बिंदु का नाम शिव शक्ति रखा है जहां पर कि चंद्रमा सर एक एक करके बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आपने आपने क्या बात कही, सुधांशु विकास हो या कल्याण हो सब चीजों में। दोस्तों सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिख के जाएगा। बात ही दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों आज की ये डिबेट वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर थी, जिसमें दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिनेट मैम ने अपने अपने पक्ष इस डिबेट में रखे। सुप्रिया सिनेट मैम का कहना था कि जैसे UCC NRC CA जैसे ये इस देश में सुफूका फैलाया गया, उसी तरह ये अब वन नेशन वन इलेक्शन का सुफूका बीजेपी इस देश में फैलाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की। खैर दोस्तों आपकी क्या राय है इस डिबेट को लेकर और आप क्या समझते हो कि अब वाकई में इस देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, अब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियोज़ का, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।